सबको जोहार है और देखिए झारखंड की हालत क्या है। यहाँ के सहायक पुलिसकर्मी जो 2017 में नियुक्त हुए थे और झारखंड के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में लगभग 2500 सहायक पुलिसकर्मियों को सरकार ने नियुक्त किया था, और ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक बात है कि पिछले 7 सालों में इनकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये है। अब आप मान करके चलिए कि 10,000 रुपये में इनको अपना पूरा परिवार भी चलाना है, इनको अपनी वर्दी भी खरीदनी है, इनको अपना जूता भी खरीदना है, इनको अपना मेंटेनेंस भी करना है, इनको अपना परिवार भी चलाना है, इनको अपने परिवार के बच्चों की शिक्षा भी देखनी है। तो ये हालत है। और अभी जब 2022 में 21 में इन लोगों ने आंदोलन किया था तो सरकार ने सेवा विस्तार किया था, और उस सेवा विस्तार की अवधि 2024 के अगस्त में पूरी होने वाली है। हमारे साथियों की ये मांग है कि आरक्षी संवर्ग में इनको समायोजित कर दिया जाए, लेकिन इतनी कड़ी धूप में हमारे साथी बैठे हैं, सभी झारखंड के नौजवान हैं, उसके बावजूद भी अभी तक इनके मांग पर सरकार के द्वारा कोई विचार नहीं किया जा रहा है। और लगातार हम लोगों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है, और मैं लगातार आप सभी साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि झारखंड के इन नौजवानों के साथ हमारा संगठन और हम तमाम सभी लोग खड़े हैं, और इनके आंदोलन में जहाँ पर भी जिस मोर्चे पर हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। और साफ तौर पर सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर सहायक पुलिसकर्मियों के मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम सभी नौजवान, पूरे झारखंड के सभी साथी मिलकर के इस आंदोलन को साथ देंगे और इनकी मांग के साथ खड़े रहेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि आप इनकी मांग को पूरा करिए। इनकी मांग इसलिए भी जायज है कि सरकार को लैंड लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिसकर्मियों की जरूरत होती है, और सरकार ने इसे अगर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखा है। आप खुद सोचिए कि 10,000 रुपये में क्या किसी का परिवार चल सकता है, लेकिन ये पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। और एक बात ये भी आप लोगों को मालूम होगी कि जब रंका में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुआ था तो ये सहायक पुलिसकर्मी ही पहले पंक्ति में आकर के उस लड़ाई को लड़े थे, उस मुठभेड़ को लड़े थे। तो ऐसे में सहायक पुलिसकर्मियों की जो पूरी मांग है वो जायज प्रतीत होती है, और हम तमाम झारखंडवासी इस मांग का समर्थन करते हैं। हमारा JBKSA संगठन इस मांग का समर्थन करता है, इस मांग के साथ हम खड़े हैं, और जहां तक भी जिस तरीके से भी इन साथियों के लिए लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे। फिर से मैं यह दोहराना चाहता हूं कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, ये आरक्षी संवर्ग में समायोजित करने की बात कह रहे हैं। अगर ये काम पूरा हो जाएगा तो इनकी सारी मांग स्वतः पूरी हो जाएगी, और सरकार के तमाम अधिकारियों को, पुलिस पदाधिकारियों को, राज्य के DGP महोदय को, राज्य के नए मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को ये कहना चाहता हूँ कि बापू की प्रतिमा CM हाउस से बहुत दूर नहीं है, एक बार इनकी वेदना और पीड़ा को आकर के सुनिए। इतने धूप में लगातार 12 जिलों से आकर के पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं और आपका कोई प्रतिनिधि इनकी बात को सुनने नहीं आया है, तो राजनीतिक सत्ता में अगर ऐसे हमारे निर्लज लोग बैठे रहेंगे और हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं एक आक्रोश पनपेगा। झारखंड के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश पनप रहा है, इस आक्रोश के साथ हम लोग खड़े हैं और साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई में हर मोर्चे पर हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे और सहायक पुलिसकर्मियों के साथ खड़े रहेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।